पर जो है तूफान जो आ रहा है, इतनी तेजी से हवाएं चल रही है कि खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। टीवी स्टूडियो में उड़ती एंकर ने पत्रकारिता के स्तर को गिराने का एक नया कीर्तिमान बनाया तो सवाल खड़ा हो गया कि मोदी सरकार और सूचना प्रसारण मंत्रालय को क्या ऐसे चैनल दिखाई नहीं देते जो दुनिया भर में देश का मजाक बनवा रहे हैं। रिपब्लिक भारत की एंकर के वीडियो को लेकर रवीश कुमार ने सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर पर कटाक्ष करते हुए कहा, आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, उम्मीद है कि आप भी सारी दुनिया के साथ साथ रिपब्लिक भारत के कार्यक्रम पर हंस रहे होंगे। क्या ये सही है कि तूफान के लिए जिस वीडियो पर एंकर भारत में हिल रही थी वो अमेरिका का है? तब तो आप भी वहां की वीडियो चलाकर यहां के लोगों को बता दीजिए कि आप बाइडेन के भी सूचना प्रसारण मंत्री हैं। खैर, गोली मारिए हंसने की बात को, इनका लाइसेंस रद्द कर दीजिए, नहीं तो एक दिन आपके गांव के लोग भी हंसने लग जाएंगे कि मंत्री जी का विभाग इन्हीं चैनलों को देखने का काम करता है। बाकी ये है तो बहुत शर्मनाक, कम से कम इस पर फेक न्यूज वाला ठप्पा तो लगवा दीजिए। वहीं वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी ने ऐसी नौटंकी वाली पत्रकारिता पर कहा, कभी सुना था कि सनसनी कार्यक्रम करने वाला सचमुच कोई अभिनेता है? एनएसडी से दीक्षित, आप तो खबरें पेश करने वाले भी एक्टिंग करते हैं, इधर से उधर स्टूडियो नापते हैं, नाचते कूदते हैं, पर ये तो हद हो गई, चक्रवात कोई छतरी नचाने का मौका तो नहीं। ओम थानवी और रविश कुमार जैसे पत्रकारों को ऐसे वीडियो देखकर ज्यादा दर्द शायद इसलिए होता है क्योंकि टीवी स्टूडियो की जहरीली हवाओं में अब पत्रकारों को पूछने वाला कोई नहीं रहा, बस नौटंकी वालों की हवा चल रही है।